yes, this handsome dude will rock with Katrina alone. सर सब आपका वेट कर रहे हैं। मेरा वेट नहीं कर रहे, कटरीना का वेट कर रहे होंगे। कहाँ हैं सब लोग? लॉन्च में बैठे हैं। अच्छा जी, तो चल मैं आता हूँ। ओके सर, भगाता हूँ सबको मैं। भाई कैट के साथ ना मैंने डांस करना है, मैंने काला चश्मा डाल लिया। आई विल लुक सो सेक्सी फॉर यू, मैं तेरे हाथ ना आने। मैंने डांस करेगा हाँ? मेरे चश्मे को क्या आई फ्लू हो गया है? मैं करूंगी डांस। एक मिनट कटरीना के साथ डांस मैं करूंगी, मेरी और उसकी कमर भी तो सेम है। कमर सेम है, मैंने डांस करना है उसके साथ, मेरी बात सुन ले। मैं करूंगी डांस, मैंने डांस करना। डॉक्टर मैं करूंगा। अरे क्या बात हुई? हेलो जी, क्या कर रही हैं आप? हाँ एक सेकंड यार। हेलो कैट है तो नहीं आ सकती आप? उसको मैं आऊं तो कैट मैं आऊं? आधे घंटे के लिए भी नहीं आ सकती? अरे यार हमने बहुत तैयारी की हुई थी। अच्छा चलो कोई नहीं, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम। क्या कहते कैट? कुछ नहीं, कहती डॉक्टर से कह दो मैं नहीं आ रही, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। बाहर जाके वेल्डिंग करो ना, बाहर मौसम बड़ा अच्छा है, घूम के आओ। चलो मैं तुम्हारे लिए गाड़ी मंगवाऊं, गाड़ी मंगवाता हूँ। ड्राइवर इनके लिए ऑटो लेके आओ। चलो चलो ऑटो, इधर हो गया यार, कम से कम बाहर ही घूम लो। चलो यस, अब मैं करूंगा कैट के साथ अकेले में आज। अब मैं और कटरीना करेंगे जो। ओहो सिद्धू जी भी तो हैं। Yes. Hello and welcome to the Kapil Sharma Show. और आज की हमारी गेस्ट हैं the very gorgeous. Please welcome Katrina Kaif. Welcome, Kat. Hi, Kat. How are you? I'm good. How are you? I'm very good. Good. Start the show. बाकी सब लोग कहाँ हैं? मैं हूँ ना, मैंने सबको बाहर भेज दिया। आज हम दोनों एपिसोड शूट करेंगे कैट, और भी सिर्फ मोबाइल पे। मैंने तो कैमरा वालों को बाहर भेज दिया। I don't want any interruption. Yeah. लेकिन सिद्धू पाजी के शेर बीमार है एक्चुअली, तो उनके शेर बीमार है तो वो आके क्या करेंगे। मैंने तो सबको बाहर भेज दिया। So, आज तुम और मैं सिर्फ मोबाइल पे शूट करेंगे। See how good we are looking together. Actually, yeah, not bad, huh? अबे ओए रुक! पाजी आप ताला तोड़ के आ गए। ये स्टूडियो हमारे बिना नहीं रह सकता है खाली। अबे ओए ठोको ताली। क्यों? मेरा सारा प्लान फेल हो गया। यार तेरा प्लान तो मैं बड़े फेल करने वाला हूँ। चलो भाई बैठो। Finally, Kat is standing next to me in my show. Wow! मैं तो बाजी अकेला एपिसोड बनाने के मूड में था आज। हाँ। आपने रंग में भंग डाल दिया। तेरी साजिशें सारी हमने बेकार कर दी। परिंदा हवाओं का रुख मोड़ के आ गया। जांबाज मुसीबतों को पीछे छोड़ के आ गया। जमाना चाहता था दूर रखना हमको, लेकिन ये सिद्धू कटरीना के लिए दरवाजा तोड़ के आ गया। चलो आप सब आ ही गए हैं तो कैटरीना आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू वेरी मच. सो क्या कर रहे हो कैपिल? आपने खुद ही तो कहा बार बार देखो. हम कह रहे हैं कि 1000 बार देखो. मैंने तो शीला की जवानी में आपने कहा भी नहीं कि बार बार देखो. मैंने फिर भी 1000 बार देखा. अच्छा थैंक यू. या वैसे कैट आई मीन कैटरीना समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं मैं. That's okay Caps. I know. कितनी देर लगा दी आपने यहाँ पे आने में? आई मीन 3 साल 3 महीने 12 दिन 9 घंटे 2 मिनट 250 एपिसोड. बहुत ज्यादा. Why you are so late? ऐसे लग रहे हैं आप इसके बारे में बहुत सोचा. बहुत ज्यादा मैंने सोचा. मैं जब से मैं बिल्कुल. तुमने मुझे बुलाया नहीं और इनविटेशन के बिना मैं कैसे आऊं हमारे शो पे? Are you sure? मेरे हिसाब से आपने मुझे नहीं बुलाया. लेकिन एक और बात भी है अगर मैं सच बताऊं. जी. मैंने सोचा मैं वेट करूं ये शो हिट होने के लिए. मुझे ऐसा लगता है कि कैटरीना जानबूझ के नहीं आई बिकॉज कैटरीना एक गाने में कहा था कि सोनी दे नखरे सोने लग दे. आई थिंक शी वाज वेटिंग कि मैं सोनी पे आऊं तो ये तभी मेरे शो में है. कैटरीना आज आपको देख के लग रहा है हमारे सेट पे चांद उतरा है. थैंक यू. और मेरा दिल कर रहा है काश मैं ग्रहण होता तो मैं लग जाता आपको. कैटरीना आप इतने बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करती हैं. जी. आप खुद इतनी बड़ी सुपरस्टार हैं. आज इस गरीब से मिलके कैसा लग रहा है आपको? गरीब किस एंगल से? तुम गरीब हो या पाजी 2-3 दिन पहले न्यूज़पेपर में आया बड़ा कैप्स के बारे में. इतना बड़ा स्टार हो गया और आपका अर्निंग्स भी काफी अच्छे हैं. अरे अगर ऐसे गरीब हिंदुस्तान में 2-3 पैदा हो जाए तो हिंदुस्तान समझ जाए 1st वर्ल्ड कंट्री बन जाए. But I'm very happy Katrina is here, guys. Wow. I think you're काफी confused है. अरे but मैं कहाँ हूँ? आप हमारे घर में हैं. मतलब कि कल रात को मैं यहाँ आप और मैंने आपको कहीं देखा है. आप दा ये दूर रखना. ये तो नींद में ही हो गया. अरे तू डरता क्या? कप्पू ए कप्पू देख मैं किसे लायू. ये देख सिद्धांत. बचाओ आजा. नमस्ते. कैटरीना मतलब क्या मैं ऐसी आ गई. बाल में रोलर्स है. हाँ वो सिद्धू बाजी. How are you? सिद्धू बाजी. How are you? How are you? Good. God bless you. बढ़िया लग रहा है यार. क्या बढ़िया लग रहा है. नजर ना लग जाए. काला टीका लगा ले. तुम काले कपड़े पहन के आ गए. काले कपड़े पहन के आ गए. नजर लग गया. मतलब तुम यहाँ कैसे मतलब कब आई? ये कैसे आ गई यहाँ? अरे मैंने तुम लोगों को मुंबई में घूमने के लिए भेजा. तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो मतलब पहले तुम मुझे बता. तूने तो कहा था कि कैट नहीं आने वाली है. हाँ तो? और तू अकेले यहाँ पर इसको सेट कर रहा है. हाय मेरी बच्ची कितनी सोनी है. ओह रुक बता ना जरूर. कैटरीना जी यू नेवर ट्राई टू टच द लेडीज फ्रॉम माई होम. बिकॉज आप कहेंगी कि मैं रोलर खोल दूं. हाँ. ये सारी खुल गई ना तो अंदर से कुछ और ही निकलेगा. अच्छा तो दिस इज समथिंग एल्स. मैं मुझे अकेले रहने का दिया कैटरीना के साथ. हाँ? मैं जैसे आया सिद्धू साहब 2 मिनट में आ गए और जब से आए उनको घूरे जा रहे हैं. सिद्धू साहब आप भी कमाल करते हो. व्हाट इज दिस? ये घूरने की चीज है भाई. ऐसा मौका फिर कब मिलेगा मुझे बताओ सही. अरे देखना ही था तो मुझे देख लेते. जब सामने हो शीला की जवानी तो कौन देखेगा बरसों पुरानी नानी. वाह वाह वाह. ज़्यादा उम्मीद में नहीं रही है। मैं कहाँ उम्मीद में हूँ? चल झूठा। इसी ने खुद कहा था क्या? मैं तेरे हाथ ना आनी। हाँ, और वैसे भी सिद्धू साहब मैं क्या कह रही थी कि मेरे बालों पर मत जाइए। हाँ, माना कि जमाना T20 का है, हाँ, लेकिन आज भी मैं आपके साथ टेस्ट मैच खेल सकती हूँ। रानी, तेरी रिटायरमेंट की उम्र हो गई और तू नई इनिंग शुरू करने की सोच रही है। दरअसल हम दोनों है ना आंखों ही आंखों में एक दूसरे को चाहने लगे थे, पर दरअसल हमारे इस रिलेशन को कोई आगे बढ़ाने वाला नहीं मिला था। अरे नानी, तेरी एक्सपायरी डेट निकल गई मेरे बड़े साल। अच्छा देखा नहीं आपने किसके साथ एंट्री मारी थी मैंने? और नानी, नानी की एक तो बात है, हाँ? नानी की एक तो बात है, नानी एक ही। अरे इतनी क्यूट है मेरी नानी, ये सिद्धू बाजी की तरफ से और ये मेरी तरफ से, बिकॉज आजकल वैसे भी मैं चीजें बार बार करता रहता हूँ। अच्छा सुनना, हाँ जी, तेरा काला चश्मा कहाँ है? अरे मेरा काला चश्मा कहाँ है? ये देख तेरा चश्मा मेरे पास है। पता तुझे तो पता भी नहीं तेरा क्या क्या मेरे पास है। अच्छा वो सिद्धार्थ, तूने मुझे ये काला चश्मा पहन के कैसे डांस करते बता दिया। थैंक यू, थैंक यू। बाय मेरी बच्ची। थैंक यू नानी जी। जाते जाते ना नहीं, दूर दूर से हग नहीं करना। नहीं। हाँ सिद्धू जी सिद्धार्थ और कटरीना के लिए जोरदार ताली हो जाए। सिद्धार्थ, कटरीना प्लीज आइए और यहाँ पे विराजमान हो जाइए। सिद्धार्थ और कटरीना पहली बार हमारे इस शो पे आए हैं। सिद्धार्थ से काफ़ी मुलाकातें हो चुकी हैं, कटरीना आज पहली बार आई है, सो बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सिद्धार्थ, आपने कहीं पे एक इंटरव्यू में कहा था कि कटरीना के ऊपर आपका काफ़ी क्रश था। हाँ जी। तो जब ये आपको फिल्म ऑफर हुई तो स्टोरी सुनी कि नाम ही काफ़ी था? एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली जब मैंने कहानी सुनी तब कोई हीरोइन नहीं थी। अच्छा। तो कहानी मैंने पहले सुनी। ओके। पहले मैं पिक्चर में साइन हुआ, फिर इन्होंने सुनी तो इनको पता था कि मैं काम कर रहा हूँ। ओके। और उन्होंने तभी भी हाँ जब आपको पता चला कि कटरीना फाइनल हो गई मेरे ऑपोजिट, फिर क्या था रिएक्शन आपका? आपने डिस्काउंट दे दिया होगा आपने तो खुशी में। नहीं, काफी एक्साइटेड था। आई थिंक अगर आप पिक्चर देखेंगे तो दोनों जो है लड़का लड़की जय और दिया जी, बहुत जरूरी था कि ऐसे देखें कि वो प्यार में है और बचपन के दोस्त हैं। अच्छा। जो बहुत ही गहरी प्यारी और दोस्ती है, तो ऐसा लगना चाहिए कि दो लोग जो साथ में अच्छे लगे। तो आपका तो नेचुरल निकल रहा होगा। हाँ, ना क्योंकि आपका तो ऑलरेडी क्रश था। करेक्ट। हमारी पहली जो वर्कशॉप थी पिक्चर के लिए वो भी यही थी कि मैं इनके सामने ऐसे बैठ के बस आंखों में आंखें डाल के 15 मिनट चुप बैठना था। ओए होए, बड़ा मजा आया होगा ना? बहुत ऐसे मैं मर जाऊँ कहीं। जो वर्कशॉप थी मैंने कहा इसके लिए पैसे भी मिलते हैं ऐसे कामों के लिए, तो बहुत खुश था मैं। कमाल है, मतलब यार इनकी फिल्में भी बड़ी बड़ी, वर्कशॉप भी होती। हमारी कोई वर्कशॉप ही नहीं हुई थी, हमारी सीधी शुरू हुई। कहते एक आपकी वो हीरोइन, एक वो है। मैं कहा अच्छा चलो शुरू कर दो। अच्छा, एक तो वैसे ही क्रश आपको इनके ऊपर, ऊपर हाँ। से रोमांटिक सीन्स भी आपने काफी भगवान ने भर भर के दिए आपकी फिल्म में। तो जो उसमें रीटेक हुए वो नेचुरल हुए या सोची समझी साजिश थी आपकी तरफ से? थोड़े थे लिपटने वाले इंटीमेट सीन्स जो मेरे को पहली बार फील नहीं हुआ, दूसरी बार ज्यादा फील हुआ, तीसरी बार ज्यादा फील हुआ, तो फिर मैंने कहा छठे आठवें टेक तक मैंने कहा ओके। ये फैमिली शो है ना? या यार मुझे लगा ये फैमिली टाइप का शो है। फैमिली बनेगी कैसी बेबी? Of course it's a family show. Yeah, we can. Okay. But cat. Yes, caps. Caps. अच्छा नाम है। Dialogue and yeah. मैंने इनके लिए नाम बहुत सोच के चुना। Caps. आपके लिए caps. का पेट नेम है। कैसे लगा आप पाजी? बहुत सही है। I love it. मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि कपिल पाजी का नाम था caps. उनको बुलाते थे हम कपिल देव। तो तुझे किससे कंपेयर कर दिया तू पता? तो जब पूरा नाम रखा था कपिल तब नहीं आपको लगा कि कंपेयर हुआ मैं? मेरे फादर ने तो खुद कपिल पाजी के फैन थे तो उन्हीं को देख के मेरा नाम रखा था। बट नाउ कैटरीना हैज गिवन मी न्यू नेम कैप्स। मम्मी कॉल मी कैप्स फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ओके? डोंट कॉल मी निक्के, इधर आ छोटू, इधर आ, ओके मॉम? मम्मी पसंद आई? आपकी मम्मी है? शी इज माय मॉम। अच्छा नमस्ते मम्मी जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। हमारे पंजाब में ना होने वाली सास को ही मम्मी जी कहते हैं। अच्छा, बार बार देखो, मैं एक डायलॉग है जिसमें सिद्धार्थ बोलते कि जय प्लस दिया इज इक्वल टू लव. हालांकि हमारे यहाँ अलग होता है. जैसे ये दिनेश है ना अपना गिटार वाला, दिनेश प्लस भाभी इज इक्वल टू 3 बच्चे, इनका अलग है. अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि कैट प्लस कपिल तो इज इक्वल टू क्या होगा, मैं आपको ऑप्शंस देता हूँ जी. कैट कटरीना प्लस कपिल, अच्छा, इज इक्वल टू इंस्टेंट लव, लॉन्ग लास्टिंग लव, एंगेजमेंट, ये और डायरेक्ट मैरिज. एक ऑप्शन बाकी है क्या, जो आपने बोला नहीं. कौन सा वाला? भाई बहन का वन साइडेड लव, जो एक तरफ से है. वन वे ट्रैफिक, वन वे ट्रैफिक. ये भी चलेगा, ये भी चलेगा. या दिस गाय इज जस्ट जेलस. भाई बहन का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता भी है, भूल गए. अच्छा, यहाँ ये भी एक बात है. कवर करो तुम, शर्म नहीं आती? फैमिली शो में यू आर शोइंग योर नीज. पहुंचते पहुंचते ये पता नहीं क्या किया नानी ने कल रात को. तो सीट की पैंट नानी. खुशी का मौका आया नहीं, मोटी बिल्ली रास्ता काट गई. बम्पर, तू रो क्यों रही है? मैं आपको क्या बताऊं, यहाँ पीछे के मोहल्ले में कैटवॉक का फंक्शन था. उन्होंने कैटवॉक करने के लिए मुझे बुलाया, तो मैं कैट बन के वॉक करने पहुंच गई. कैटवॉक तो उन्होंने मुझसे करवाया नहीं, एक कुत्ता मेरे पीछे छोड़ दिया. कैटवॉक की जगह कैट रनिंग करके आ रही हूँ मैं. ये कोई तरीका होता है? आप कैटरीना, आप क्या डांस करती हैं, देख के मजा आ गया. मतलब आप तो मेरे से भी बेटर बेली डांसिंग कर लेती हैं. आप बेली डांसिंग करती हैं? नहीं, कैटरीना बेली डांस करती है, थैली डांस करती है. बड़ी वाली थैली. वाह वाह कपिल शर्मा, वाह, मानना पड़ेगा, कमाल की बात की आपने. मतलब जब कोई जोक बना नहीं आपसे, तो आपने बेली को थैली से राइम कर दिया. वाह. थैली डांस क्या होता है, आप मुझे बताएंगे? थैली डांस, बम्पर, मैं बताता हूँ तेरे को. ये जब डांस करती है ना तो लगता है बेली डांस कर रही है, तू जब डांस करती है तो लगता है बैल डांस कर रहा है. अब ठीक है, अब मैंने राइमिंग नहीं की. मैं आपको अभी भस्म कर सकती हूँ. कर सकती हूँ. ये क्या कर रही है? आपको और कुछ अभी पूछना है तो पूछ लीजिए. फालतू में टोकिए मत. मैंने आपके फिल्म का ट्रेलर देखा, उसमें वो जो आप शादी से पहले सो जाते हैं और अचानक सीधा हनीमून पे जागते हैं. एक्चुअली बात भी करेक्ट है, हनीमून पे कौन सोता है, पहले ही सो जाना चाहिए पूरा, जितना सोना है. तो लेकिन इस बात पे ना मुझे यकीन हुआ नहीं, ऐसे कैसे होता है कि पहले यूँ सो जाते हैं, जागते हैं तो लेटर जागते हैं कुछ दिनों बाद. आई मीन, हाउ डज दैट हैपन? समझ नहीं आता. वो टाइम स्किप कर रहा है, स्किप कर रहा है, सडनली फ्यूचर में पहुंच जाता है. यू हैव टू प्रूव इट टू मी. प्रूव इट? हाँ, मतलब आप सो जाइए, फिर देखते हैं आप कब जागते हैं. अच्छा, हम देखते हैं ना, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए. सो जाइए, सो जाइए, मैं आपको लोरी भी सुना दूंगी. अच्छा, तो अगर मैं जय बन के अभी सो गया, हाँ, फिर देखते कहाँ उठते हैं, फिर देखते हैं आप कहाँ उठते हैं. ओके, आप सोइए. ये लीजिए, तकिया लगा दिया मैंने. अच्छा. राजा मुन्ना सो जा, एक विलन सो जा, कपूर एंड सन सो जा, स्टूडेंट ऑफ द ईयर सो जा, सो जा ब्रदर सो. अबे सो गया. हाँ. कितना खूबसूरत दिन है आज. मिस्टर मल्होत्रा, मिस्टर मल्होत्रा, हेलो, कैसे हैं आप? देखिए, आप अभी चिंता मत कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में नाश्ता तैयार कर दूंगी. आप ये लीजिए, यहाँ पे थोड़े से मच्छर हो रहे हैं, मच्छरों को मार दीजिएगा. और ये कुछ टमाटर लेकर आई थी, इधर टमाटर काट दीजिएगा, मैं झींगा की सब्जी बनाऊंगी. ओके, झींगा फ्राई स्पेशली फॉर यू. वैसे मिस्टर मल्होत्रा मिसेस मल्होत्रा को देख के आप गुड मॉर्निंग नहीं कहेंगे? पर हमारी शादी कब हुई? पूछ रहे शादी कब हुई? कमाल कर रहे हैं आप, हनीमून पे आ गए और पूछ रहे शादी कब हुई? मुझे पिज्जा खाना है। हनीमून पे आकर कोई पिज्जा खाता है? Because pizza is better than this. चलिए कोई बात नहीं, अगर आप ऑर्डर कर ही रहे हैं ना तो 12 पिज्जा मेरे लिए भी ऑर्डर करें। और वैसे भी हनीमून का सारा प्लान मैंने बना लिया है। कल हम सुबह सुबह जागेंगे 8 बजे, 8 से 11 हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर 8 से 1 मैं टॉयलेट में रहूंगी, फिर 1 से 3 हम लंच करेंगे, फिर 3 से 5 मैं टॉयलेट में रहूंगी, फिर 5 से 8 हम डिनर करेंगे, फिर 8 से 11 मैं टॉयलेट में रहूंगी, फिर 12 बजे भगवान प्लीज मुझे उठा ले यहाँ से। ऐसी बातें मत कीजिए, अपने हाथ दीजिए, मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए आपको क्या दिखाई देता है। घुटोटकच। चलिए अब आप आई हैं तो थोड़ा सा मेरा हेड मसाज कर दीजिए ना। ओहो। फुटबॉल। Enjoy yourself. Okay. Feel free. Okay. Let your hands flow. Relax. Relax. Just wow. Relax. 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 मैं तो कुछ नहीं, वो देखती हूँ बाद में। हाँ ओके ओके बाय बाय बाय। अरे आपको पता भाई सिद्धार्थ इतने अच्छे एक्टर है ना, इनको ऑस्कर भी मिला है। हैं? हाँ। अच्छा ऑस्कर को घुमाने कौन लेके जाता है? अच्छा मैं बताना भूल गया, ऑस्कर इनका डॉगी है। अच्छा आपने ऑस्कर नाम क्यों रखा उसका? यार लोग यहाँ पे फिल्म फेयर बाकी अवार्ड्स के पीछे भाग रहे हैं जी, यहाँ पे ऑस्कर मेरे पीछे भागता है तो। अरे यार बस कर ले यार, मेरे को बुखार हुआ पड़ा है और तू यहाँ पे बहनोई बन के लेटा हुआ खड़ा। मेरे को लेटना है यहाँ पे यार, मेरे को बहुत ज़्यादा बुखार हो गया। वहाँ इसको वहाँ रख, मैं वहाँ लेटता हूँ। सिद्धू साहब है? हाँ जी। मेरा बहुत बुरा हाल है, मेरे को बुखार हो गया, मैं 13 इंजेक्शन ले चुका हूँ, मेरा ठीक ही नहीं हो रहा। मेरे को कोई डॉक्टर का पता बताइए ना प्लीज। मशहूर गुलाटी? नहीं नहीं, मेरे को अपने इलाज पे यकीन नहीं है बिल्कुल भी। ना ना, मेरे तो अपनी भी फीस नहीं आती, पता है बड़ा नुकसान होता है मेरा। भाग जाए यहाँ से, है मेरा बहुत बुरा हाल है सिद्धू साहब। वैसे डॉक्टर साहब बुखार हुआ कैसे आपको? वो ना मेरे को बुखार का फोन आया, मेरे को कहता कि मेरे को तेरे को होना, मैंने कहा हो जा। मैंने कहा कम से कम 104-5 होना। और यार कैसे होता है बुखार? मैंने कहा ना तो हो गया बुखार, कैसे होना होता? हेलो। अच्छा मेरे हाय सिद्धार्थ। हाय डॉक्टर मिस्टर गुलाटी। हाय डॉक्टर। डॉक्टर मिस्टर गुलाटी। बीपी बीबी। बीपी बीबी मतलब? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यार तुम इसका मतलब नहीं पता, सोशल मैसेज है, हर बात का तुम्हें मतलब बताना पता। Katrina, I'm not well. अच्छा आप बैठ के बात कर लीजिए। आइए। हाँ जी आप बैठ के बात कर लीजिए, आराम से बात कर लीजिए आप इधर बैठ के। Katrina आई ना आपको? ऐसे कौन आराम दिलाता है यार। मैं Katrina जी क्या हुआ बताए, क्या हुआ? बुखार है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा तेज बुखार है। मैं एक सेकंड ना मैं चेक करती हूँ। करिए तो। हाँ एक्चुअली है काफी तेज बुखार है। बहुत हॉट हूँ ना मैं। हाँ आपने पता एक बार आपने कहा था कि आप मेरी वजह से सेक्सी हैं। मैंने कब कहा ये? मैंने कब आपका वो गाना नहीं है शीला की जवानी, आई एम टू सेक्सी फॉर यू, इन्होंने मेरी तरफ हाथ करके कहा था यार। अच्छा ऐसे। नहीं डॉक्टर इसका मतलब है आई एम टू सेक्सी फॉर यू, मतलब मैं आपके लिए बिल्कुल नहीं हूँ। मैं तेरे हाथ नहीं आनी, ये भी तो कहा था ना। वो तो आपके लिए कहा था ना। आपके लिए नहीं बनी। ये तो फिर आपके लिए फिर बंदे को मिसलीड नहीं करना चाहिए ना। मेरी तरफ उंगली क्योंकि आपने, मैं तब से मांग के बैठा हूँ आप मेरे लिए चाहिए, ये तो फिर दिल तोड़ने वाली बात होगी ना आपकी। अगली है फिर तो आपने नेक्स्ट टाइम मैं फारा जी को बोलती हूँ इस तरफ की जगह हम लोग ऐसे करते हैं। मैं उधर आ जाना फिर। कैट आपको पता है मेरे को बहुत ज्यादा बुखार है। मैं क्या कर सकती हूँ? आपके लिए मैं दवाई चाहिए, मैं कुछ लाऊं आपके लिए? ठीक है एक काम करिए, आप मेरा पता लेने के लिए आ जाइए और आते हुए हाँ थोड़ा फ्रूट ले आइएगा। बिरजू थोड़ा फ्रूट दे मैडम को, मैं बीमार तब से बैठा हुआ हूँ, लेटा हूँ, कोई आ नहीं रहा। बिरजू फ्रूट दे दे। फ्रूट एक अच्छा चलो कोई बात नहीं। डॉक्टर साहब मैंने आपके लिए कुछ लाई हूँ। बैंगन? हाँ ये था मेरे पास। ये कौन सा फ्रूट है भाई? चलो लेकिन आपके हाथ से तो मुझे बैंगन भी आम रस लगता है। एकदम दशहरी आम जैसे लग रहे हैं आपके। सॉरी आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट वेल। कपिल शर्मा तुम हमेशा भाई सेल्फी लेते रहते हो, आज लो ना भाई मेरे लिए इतनी बड़ी हीरोइन कैटरीना कैफ। मेरे को लेंगे बिल्कुल। हाँ। ये फ्लैश थी। तब ये कैसे है अभी? थोड़ा बेटर लग रहा है। बेटर लग रहा है ना? एक सेल्फी ले लेते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब मैं आपकी बहुत अच्छी सेल्फी लेने वाला हूँ। ले लो ठीक है। आपने एक ऐसे पकड़ के रखो जरा इसको। चलो यार मेरी कोई आखिरी इच्छा थोड़ी है ये जो तुम मुझे ये लगवा रहे हो। मेरे को कैट जी जी मेरे को ना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ठंड लग रही हो? मेरे को किसी तरह से गर्मी वगैरह मिल जाए तो मैं ठीक हो जाऊँ थोड़ा सा, बहुत ठंड लग रही है मेरे को। और बैंगन खा लो। बैंगन में स्टोव लगा हुआ है, बैंगन खा लो। ये लीजिए ये लीजिए कंबल। कंबल ले लो, कंबल ले लो, कंबल ले लो। चलो भाई मैंने पहली बार इतना क्रिएटिव आदमी देखा है, मतलब ऐसे मुझे कभी किसी ने नहीं मारा। आपको पता है इस तरह मारने से रिश्तों में दरार नहीं पड़ती क्योंकि पता नहीं चलता ना कौन मारता है। अब क्या हो गया मुझे ना पता नहीं, कुछ कुछ हो रहा है, मेरा सोने का मन कर रहा है पर मेरे को नींद आएगी नहीं क्योंकि मेरे को बुखार बहुत ज़्यादा। कैट जी जी मेरे को कोई लल्लाबी वगैरह सुना दो। लल्लाबी? तो गाना मैं गा के सुनाऊं? हाँ जी। कैसे होगा? वही कोई इंग्लिश में तो इंग्लिश, नहीं तो हिंदी में तो लल्ला लल्ला लो रही है। सो जा। क्या हुआ? ठीक मेरे को सांस नहीं आ रही। क्यों? मारने से नहीं सांस आएगी, कोई और तरीका सोचो आप। नहीं मारने से सांस थोड़ी होएगी, कोई तरीका सोचो। पंखे से थोड़ी सांस आएगी, दूर से नहीं। कल चांस नहीं आ रही मैं कल सामने आ रहे मैं कुछ सिद्धू साहब। ओह माय गॉड अभी तक मरे नहीं। डॉक्टर साहब तो क्या हुआ? डॉक्टर साहब साहब क्या हुआ? डॉक्टर साहब अब मैं मरा हुआ मैं क्या बताऊंगा तेरे को। साहब यहाँ नीचे सब कुछ दिख रहा है। मैंने अंडरवियर पहना हुआ मेरे को पता नहीं। नीचे उतारो मामा जी जल्दी करो अभी और भी काम लगा। कटरीना सिद्धार्थ आपके बहुत सारे फैंस यहाँ पे मौजूद हैं जो आपसे बातें करना चाहते हैं। जी भाई साहब। कपिल भाई राम राम। राम राम जी कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ आप बताओ कैसे हो? फर्स्ट क्लास जी। कहाँ से आए? मैं हरियाणा से आया हूँ पानीपत से। अच्छा जी। मेरा नाम वीरेंद्र कौशिक। माइक आपके लिए ही है। मैं इसमें बोलिए। मैंने मैडम का एक टीवी में इंटरव्यू देखा था। अच्छा। उसमें मैडम ने बताया था कि वो लड़कों के बाल से बहुत इम्प्रेस होती है। अच्छा। मैं पूछना चाहता हूँ जिनके बाल नहीं है उनका क्या? एक फिल्म है तेरे नाम आपने देखा? जी देखा। उसमें आई थिंक सलमान वाज लुकिंग वेरी गुड। यस। तो एक और कहावत है कि माँ जब हाथ फेरती है तो बाल आ जाते हैं, बीवी हाथ फेरती है तो बाल चले जाते हैं। तो फिर कम फिरवाया करो बीवी से। आइए बीवी साथ में आइए। भाभी जी आप बहुत हाथ फेरती सर पे। अभी ये तीन बच्चे आप ही गए? हाँ तीन। अभी बाल चले भी गए तो क्या हुआ? बाल गए बच्चे आ गए। बाल बाल बचे। अभी कौन सा बुड्ढे हो गए? अभी तो हम अभी और बच्चे पैदा करने हैं। अगर कटरीना मैडम एक बार हाथ फेर दे हो सकता आ जाए। उनका हाथ छिल गया तो? नहीं बिल्कुल प्लेन है। अब आइए। ओके दोनों के साथ में हाथ फिर जाएगा तो दी बेस्ट। ये लीजिए आपके बालों में। क्या बात है क्या बात है। कौन सा तेल लगा के हैं? तेल। शुक्रिया शो में आने के लिए। थैंक यू। प्लीज आप थैंक यू जी। और कोई मेरे दोस्त? हेलो सिद्धू पाजी। हेलो कपिल जी। हेलो कैटरीना मैम। हाय सिद्ध कैसे हो? अच्छा हो। क्या आपके आने वाली फिल्म में आपने जो 7 साल का किरदार निभाया है क्या आपके उसमें 6 पैक थे? उसमें 6 पैक्स नहीं थे उसमें। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता आपको मुझे दिखाना ही पड़ेगा। अच्छा सिद्धार्थ शायद नहीं किया इस पिक्चर में लेकिन मैंने किया। हाँ इनकी दिख रहे हैं। नहीं मुझे सर के ही देखने से सर के ही देखने हैं। सर प्लीज आपको दिखाना ही पड़ेगा। आपको मैं फील करा सकता हूँ? नहीं अभी दिखाओ। दिखा नहीं सकता। अच्छा आइए आप फील करके बता दीजिए आपको दिखता है कि नहीं दिखता है। या सिर्फ आप ही को देखने को मिले। आप ही देखिए। थैंक यू सर थैंक यू। मैम आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई? सूरत से। अच्छा क्या बात है। घूमने आए मुंबई के ऐसे ही? नहीं आपका शो देखने आए। हाउ स्वीट थैंक यू सो मच। आपने बिल्कुल गलत बोला। आप शो नहीं देखना है 6 पैक देखने हैं। नहीं है आपने सही पकड़ा है सिद्धू बाजी आपने सही पकड़ा। ठोको थाली। मेरा बच्चा भी आया है और मेरे हस्बैंड भी आए हैं। अच्छा तो मेरे बच्चे के लिए आप एक गीत उसकी फरमाइश है। मैं एक बार भाई साहब को माइक देंगे जरा एक सेकंड के लिए। भाई साहब जिंदगी में टोटल कितने लफ्ज बोले हैं आपने आज तक? मुझे लगता नहीं आपको बोलने देती होंगी। खाली आई लव यू बुलवाती है बस और कुछ नहीं। वो भी बुलवाती हैं आप दिल से नहीं बोलते? नहीं बोलना पड़ता ही है क्योंकि मुझे घर में रहना है। ओ आई लव यू भी छाती पे पैर रख के बुलवाती है। सही बात है ऐसे करते हैं। बोलते प्रेम करूँ चू। हाँ करूँ चू कल करू छू आज करू छू आ मैं सर मेरा बेटा सर स्पेशल चाइल्ड है सर। अच्छा सर उनकी एक स्पेशल फरमाइश है आपके लिए। क्या नाम है? राज। राज राज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, गॉड ब्लेस यू। हमको जिनको देवी कहते हैं। हाँ जी नमस्ते। और जो सामने बैठे हैं सिद्धू साहब, वो हमको जब अकेले में मिलते हैं ना तो हमको सेक्सी सेक्सी कहते हैं। अच्छा सिद्धू जी। और इनको तो सब चिकनी चमेली कहते हैं, आपको हैंडसम हंग कहते हैं, और वो जो बैठे हैं वहाँ पे वो कुछ भी कहते हैं, लोग हंसते रहते हैं। टिंकू भाभी आज इधर कैसे आप? हम बदला लेने आए हैं। किस चीज का? हमारे जो हस्बैंड है ना उनके सपने में कटरीना कैफ आती है रोज, तो हम सोच रहे हैं उनके सिद्धार्थ के सपने में आएंगे तो बदला ले लेंगे उनसे। क्यों बच्चे को डराना? बच्चे होंगे आपके लिए, हमारे लिए तो भरे पूरे मर्द हैं वो। अरे वाह। उनका जब पिक्चर आया था ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर, उसी वक्त से सोच लिया था इनके प्रिंसिपल बन के रहेंगे हम। हाँ देखो रिंकू भाभी आप प्रिंसिपल मत बनो, आप मुझे एक सिटी केबल के लिए प्रोग्राम शूट करना है, आप होस्ट बन जाओ। मुझे कहीं जाना है, मुझे थोड़ा काम है। अच्छा आप होस्ट बन जाओ ठीक है। हमने कभी किया ना। अरे कौन भाई करोड़पति नहीं देखती हैं आप? देखती हूँ सिटी केबल पे जो आता है, उसमें पार्टिसिपेट किया, आप होस्ट वैसा किया नहीं है। तो कोई बात नहीं आज होस्ट करिए, जल्दी जल्दी लेके आइए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी केबल का प्रोग्राम कौन भाई करोड़पति में। और इधर हमारे साथ हॉट सीट पर बैठे हुए हैं सिद्धार्थ, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुक्रिया। अगर आपको बैठने में तकलीफ हो रहा हो तो हमारा गोद में भी आकर बैठ सकते हैं आप, ऐसा कुछ नहीं है, अगर बैठ सकते हैं। और इधर हमारे साथ बैठी हुई कटरीना कैफ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। भाभी जी आप खुश नहीं है क्या? क्या हुआ बताइए? मतलब आपकी आवाज से ऐसे फीलिंग आ रहे हैं मुझे, लेकिन आप जैसे आप आपका हीरो है। होता है बहुत हैंडसम हैंडसम, हमारा हीरो देखेंगे तो जीरो से भी नीचे है, माइनस में है। हम तो अपना जिंदगी कैसे निकाल रहे हैं आपको पता नहीं है। ओहो बहुत मुश्किल जीवन है हमारा। वैसे भी आपका हस्बैंड कहाँ है इस वक्त? और लेटा होगा घर पे, बैठा रहता है, सुबह कारखाना जाता है 4 बजे, कुंडी खोल के वापस घर पे आ जाता है। कुंडी खोल के? तो आप जब जाती है तो कुंडी बंद होता है घर आपका? हमारा नहीं, कारखाना का कुंडी खोलता है। अच्छा। गेम का रूल हम आपको बता देते हैं। जी बहुत ही सीरियस गेम है कौन भाई करोड़पति। अब गेम का रूल है, इसमें आपको 4 पाइपलाइन मिलेगा। पहला मिलेगा पाइपलाइन, पाइपलाइन रहेगा 4। अच्छा एक नीचे है, वो आपको मिलेगा ना, यूज कर सकते हैं। क्या लाइफलाइन? लाइफलाइन की बात कर। अच्छा ऐसा है, चलिए एनीवे अभी हम लोग आपको बता देते हैं 4 जो लाइफलाइन का पाइपलाइन जो भी है वो है। ऑडियंस पोल है, और स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और आंसर का लाइबिलिटी टेस्ट है। अच्छा अच्छा तो आप अपना ही रिस्क पे खेलिएगा। ओके या बिकॉज हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है आज। अरे मैं ये जो तुमने बात कही मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई। मतलब इतना बड़ा एक्सपर्ट आपके सामने खड़ा है और गहरी एक्सपर्ट ही नहीं है, तुम्हारे मुंह को जेल होनी बनती है। हेलो सिद्धार्थ, मैं बहुत आपका फैन हूँ। अरे शुक्रिया। कटरीना मुझे तो आपका कैफ बड़ा पसंद है। मतलब मुझे मोहम्मद का कैफ इतना पसंद नहीं है इतना कैफ पसंद है। सिद्धू साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सिद्धू साहब अच्छे लग रहे हैं, आप अपनी तरफ देखिए ना कैसा लग रहा है, टोपी पहन के खेल में आए हैं आप। तू भी तो साड़ी पहन के आई है। मैं सिद्धू साहब आपका इतना बड़ा फैन हूँ, मैं बता ही नहीं सकता। मैंने बताने नहीं जाओ जो करना कर रहे। आपको याद है आपका मैच था 1990 में? अच्छा भारत पाकिस्तान का मैच था, आपको वकार यूनिस ने 0 पे आउट कर दिया। मेरे को वकार यूनिस की वो बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने इसी चक्कर में मैंने आज तक नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया। एक मिनट का ऐसा एक्सपर्ट है आप। मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हूँ, इनको पता ही नहीं है। मैं इतना एक्सपर्ट हूँ, मैं चलती बस से उतर जाता हूँ। मैं क्योंकि स्टॉप पे उतरो पैसे मांगते हैं। मैं गालियों में इतना एक्सपर्ट हूँ, आप यकीन करें। मैं पहाड़गंज में रहता हूँ। हाँ जी। शादरा से बच्चे आते हैं मेरे से गाली सीखने। इतने बदतमीज, मैं उनको गाली सिखाता हूँ, मैं पैसे मांगता हूँ और गाली मेरे को दे जाते हैं। बाकी मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ आपका कटरीना जी। मैं कमली कमली यार थी, कमली बहुत ज़्यादा। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। कमली या ज़्यादा ली, हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं। अब हम गेम खेलेंगे। ये क्या है, ये किसके लिए? यार मैं बचपन में मेरी माँ सीटी मारती थी, मैं सुसु करता था। तो मैं आधे घंटे से मार रहा हूँ, होने जा। मेरी माँ ने पागल बनाया मेरे को। तो चलिए, हमारे बीच में एक्सपर्ट आ गए हैं और इनका नाम है मिस्टर राजेश अरोड़ा। अरोड़ा कम हमारी राह में, रोड़ा ज्यादा है। तो चलिए खेला शुरू करते हैं। और उसके लिए आप तैयार हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। आप लोग तैयार हैं, लेकिन हमको अपना चेक करना है जरा। अच्छा, टैक्सी तो हम हैं, मान गए। मेरे मन में एक बात आ रही थी, मैं रोक नहीं पाया। हाँ। तुम जितनी मर्जी बिंदी सेट कर लो, वरना मुंह खराब ही लगेगा। सिद्धू साहब, मैंने एक बार बीमार लोमड़ी देखी। हाँ। आप यकीन नहीं करेंगे, उसका मुंह इससे ज्यादा सुंदर था। अच्छा, दिल्ली में मेरा कुत्ता जॉर्ज, वो मेरे साथ रहता है। मैं दोनों साथ में टीवी देख रहे थे। शाम को मेरी ड्रिंक वगैरह उसके साथ मैं ले लेता हूँ। वो बड़ा कुत्ता है, वो चुपचाप बैठा था, ये टीवी पे ही भौंकने लगा। उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया इसका मुंह। मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। अभी हम कुत्तों का मुंह दिखाने के लिए तैयार नहीं हुआ है इधर। बहुत अच्छी बात है। हम इधर टीवी पे आ रहे हैं तो जनता का मुंह दिखा रहे हैं। पहला सवाल पूरा 50 लाख रुपया के लिए। पहला सवाल 50 लाख रुपया कौन देगा? मुझे बात ना, मुझे समझ में नहीं आई कि ये सवाल पहले से घटिया था कि तुम्हारे मुंह से निकलने के बाद हुआ। मुझे तुम्हारा सवाल बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगला सवाल पूछो। आप एक्सपर्ट हैं, बीच में पट पट मत बोलिए, समझे आप? यार एक बात मैंने भी बोले, मुझे तुम बहुत पसंद आए यार, मेरे बहुत पसंद आए, बहुत पसंद आए। चलिए, अगला सवाल है पूरा 75 लाख रुपया के। वाह 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 वाह, क्या सवाल है। सिद्धार्थ और कटरीना, ये बताइए कि हनीमून के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? आपका ऑप्शन है ए शादी, बी मूड, सी मौका या डी पार्टनर। सब जरूरी है। कुंडी, कुंडी, दरवाजा बंद और कुंडी। कैसे हो? अगर आप चाहें तो देखिए, बहुत लंबा 75 लाख रुपया का सवाल है। हाँ। आप एक्सपर्ट का राय ले सकते हैं, लेना चाहें। एक्सपर्ट का राय ले इसके बारे में। देखो बेटे, राय है ऐश्वर्या का, मेरा रोड़ा लेना तो ले लो। चलिए, चलते हैं हम अगले राउंड की तरफ। राउंड लिया है। अगला सवाल है पूरा 3 करोड़ रुपया के लिए। सीख रहा है, सीख रहा है। सवाल मैथमेटिक्स का है। ओह, गणित का सवाल है। हाँ जी। कितने में से कितना निकालेंगे तो जीरो बचेगा? कितने में से कितना निकालेंगे? सबट्रैक्ट करेगा तो जीरो बचेगा। जीरो बचेगा। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन भी है हमारे पास। अच्छा। 4 हैं। कुछ में से कुछ, बी थोड़े में से थोड़ा, सी बहुत में से बहुत, हाँ। या डी सब में से सब। सब में से सब। फोन फ्रेंड। नहीं, गलत है। सब में से सब निकाल दोगे तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कहाँ आएगा? मुझे तुम्हारा लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगले सवाल में हमको ज्यादा मजा आएगा क्योंकि अगला सवाल हमारे बारे में ही है। अच्छा अच्छा बोलिए। आपका सवाल है कि हम कौन सा कपड़ा पहने तो कटरीना से ज्यादा सेक्सी लगेंगे। आपके ऑप्शन है ए 3 पीस सूट, बी शेरवानी, सी प्लाजो। प्लाजो 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 होता है ना, प्लाजो। कितना हो? डी हो गया था? नहीं नहीं, सी हो। डी मिनी स्कर्ट, मिनी स्कर्ट। ई उससे भी मिनी स्कर्ट, एफ उससे भी ज्यादा मिनी स्कर्ट, ई बहुत ज्यादा वो वाला पैंट, शेमलेस जीन्स, मतलब शेमलेस जीन्स। हाँ जी, बैकलेस ट्राउजर। पूरा ऑप्शन सुनिए, जी के बाद क्या आता है? एफ। एफ एफ तो हो गया था ना, एच एच। जी के बाद हमारा सिर्फ एबीसी में प्रॉब्लम है। एच बैकलेस ट्राउजर, इसमें ज्यादा सेक्सी लगेंगे। और ऑप्शन दे जेड तक। ऑप्शन मेरे ख्याल से इन्होंने बहुत ज्यादा ऑप्शन दे दिए। ऑप्शन होते 4, इन्होंने दे दिए 3500। इतने ज्यादा ऑप्शन आप दे रहे हैं। हमको कुछ भी करके सेक्सी दिखना है बस, कटरीना से ज्यादा। हमारे पास नहीं बर्दाश्त कर सकते। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। मैं कैसे भी नहीं मानूंगा बेटे। नहीं, आपको मानना पड़ेगा। हम ऑडियंस पोल लेंगे हम, और यहाँ पे कटरीना जो है यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ डांस वांस करके दिखाएंगे। ऑडियंस हमारा फैसला करेगी कौन ज्यादा हॉट है। ठीक है ठीक है। तो हम डांस करेंगे, जो भी जिसको मूवमेंट में अच्छा लगा वो बता दे। ज़्यादा पसंद आया मेरे को। बहुत। अब आप लोगों के सामने हो गया है। ऑडियंस अपना अपना पोल दे दो, बता दो कौन हॉट है ज़्यादा। मेरे को बहुत बड़े पसंद आए। काफी कंफ्यूजन है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैंने सिद्धू साहब आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने सी ग्रेड की बहुत फिल्में देखी हैं। हालांकि उसमें स्टोरी वगैरह कुछ नहीं होती पर मजा बड़ा आता है। पर उसमें इतने गंदे गंदे एक्टर होते हैं पर फिर भी आदमी देख लेता है। लेकिन तुम्हारा मुंह मुझे पसंद नहीं आया। बहुत ज्यादा। मैं कहता हूँ मैं तुम इधर एक्सपर्ट बनकर राय देने आए हो या हमारे मुंह के बारे में हिस्ट्री का चैप्टर बताने आए हो तुम? हमसे आप बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। हम जा रहे हैं यहाँ से छोड़कर सब कुछ। आप बोल रहे थे हमारा मुंह ऐसा क्यों रहता है, हमारे मोहल्ले में ऐसा लोग रहता है इसलिए हमारा मुंह ऐसा रहता है। हम यहाँ से जा रहे हैं, हमको नहीं खिलाना खेलना है। हमारा दिल बैठ गया है, हमारा तो दिल बैठ गया है। बहुत मुश्किल है जीना हमारा। अरे नहीं, हमारा घर में एक बेडरूम है, इधर हम सोते हैं, इधर हमारी ननद सोती है, इधर हमारे पति सोते हैं। बच्चा कैसे होगा बताइए? आप टेंशन मत लीजिए, आप टेंशन मत लीजिए। कुंडी हो भी तो क्या करें, कुंडी बीच में है ना, कुंडा हमारा ननद। क्या करेंगे कुंडी का? हमारा जिंदगी खराब हो गया। एक्सपर्ट जी से पूछिए क्या करेंगे। सारा दिन हस्बैंड घर पे रहता है, 2 मिनट बाहर जाए आदमी आराम कर लेना है। घर पे सिर पे दाल गलता है हमारा। हमारे हस्बैंड का कर्नाटक का प्लेस अच्छा करते हैं ना सिटी केबल में वो सारा। तुम्हारा हस्बैंड बाहर नहीं जाता, तुम बाहर चली जाया करो। अब हमने डिसाइड कर लिया है कि अब हम आज यहाँ से जा रहे हैं। आप रोमा मैंने पहले भी कहा। अरे हम जहाँ आप लेके जाएंगे आपके साथ जा रहे हैं ना। हम तो बार बार देखने जा रहे हैं। तो हम भी बार बार देख लेंगे, उसमें क्या है। इनकी फिल्म बार बार देखो, लेकिन इनका मुँह एक बार देख लो आप। देख लो। मैंने वो आपकी आम वाली ऐड देखी थी। जो आम में से रस निकलता है ना, जो आप ऐसे होटो पे गिरता है, मैं कहता हूँ बड़ा मीठा था। अच्छा, इनके आम में से रस निकलता है, हमने आम लाए कीड़े वाले निकले। आइए एक साल पी लेते हैं आपके साथ। बहुत मजा है आपको देख के। मतलब जितना मुझे इसका मुंह गंदा लगा उतना ही आप दोनों को अच्छा लगा। अरे आइए मैं आपके साथ सेल्फी लेता हूँ। आइए आइए आप देखिए हमारा ऐसा नहीं है, मुंह इतना गंदा नहीं है। आइए आइए आप भी इधर आइए। हमारा आ ही नहीं रहा, कवर करके खड़ा हो गया। कटरीना आप इधर आ जाइए। आपका हमको बाहर कर दो। अरे बाहर बाहर रहो, ध्यान से आपका मुंह आ रहा है, बाहर हो जाओ। मजा आया, बिल्कुल बहुत मजा आया। बहुत सेक्सी है आप, बहुत सेक्सी है। तो आप लोग ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। इस समय कटरीना कैफ खड़ी है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.